तो दोस्तों, चेन्नई में हो रहे भारत और इंग्लैंड के मैच को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर है ऋषभ पंत को लेकर। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उनके प्रदर्शन के लिए खास इनाम दिया जाएगा। तो क्या है ये खास इनाम, जानिए आज की हमारी इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त आकाश, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, पंत को आईसीसी ने जनवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए चुन लिया है। दोस्तों, इस मामले में ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दूं कि आईसीसी ने पहली बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए पुरस्कार की शुरुआत की है। इसमें आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल को नामित किया था। आईसीसी के इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में हर महीने शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना है। विजेता के चुनाव के लिए आईसीसी प्रशंसकों को ऑनलाइन वोटिंग के लिए आमंत्रित करने के साथ ही एक स्वतंत्र आईसीसी वोटिंग एकेडमी भी बना रही है। इस एकेडमी में खिलाड़ी, पत्रकार और प्रसारक भी शामिल होंगे। पूरी वोटिंग प्रक्रिया में ऑनलाइन वोटिंग का 10% और अकादमी का 90% वोटिंग शामिल होने वाली है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर ऋषभ पंत की, तो 23 ईयर के विकेटकीपर और बल्लेबाज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में 97 रनों की पारी और ब्रिस्बेन में उनकी नाबाद 89 रनों की मैच जिताओ पारी के लिए नामित किया गया था। जबकि रूट को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में एक दोहरा शतक और एक शतक लगाने के लिए इसमें शामिल किया गया था। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि पुरुषों के अलावा महिला क्रिकेटर्स को भी इस पुरस्कार में रखा गया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका की शाबनीम को विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने इस रेस में पाकिस्तान की डायना बैग और दक्षिण अफ्रीका की मारिजैन कैप को पछाड़ा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। नमस्कार।